अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफआई नौगाम। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सईद हुसैन विद द एक्सरसाइज 7.3 ऑफ ट्रायंगल्स फॉर क्लास 9th। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, पहले क्वेश्चन नंबर आपने 1 इसकी वीडियो आपने देखी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी। देखिए बेटे, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है। ये जो साइड ए बी है ये ए सी के बराबर है, और एडी एक ऑल्टीट्यूड है। एडी इज एन ऑल्टीट्यूड, दैट इज ये यहां पर राइट एंगल बनाता है। सो दैट ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर बोथ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट। नंबर 1, ए डी बाइसेक्ट बी सी। एक तो हमें प्रूव करना है कि जो ए डी है ये बी सी को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज बी डी इज कॉल्ड सी डी। और दूसरा हमें प्रूव करना है जो ए डी है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 1, यहां रखूंगा नाम एंगल 2, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे उस वहां पर जो एंगल बनती है उसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। सो वी हैव गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी is equal to AC and AD is perpendicular to BC. We have to prove, number 1, AD bisects BC, that is we have to prove AD is equal to CD. And number 2, we have to prove that AD bisects angle A, that is we have to prove angle 1 is equal to angle 2. ठीक है ना, प्रूव। ठीक है बेटा, जब हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां दो राइट ट्रायंगल्स बनेंगे, राइट ट्रायंगल ADB एंड राइट ट्रायंगल ADC। देखिए, इन राइट ट्रायंगल ADB एंड राइट ट्रायंगल ADC, जरा बेटा देखिए, ऑब्जर्व करें इन दो में क्या है। ट्रायंगल ADB में यहां पर राइट एंगल बनता है तो अपोजिट साइड AB हाइपोटेन्यूज हो गया। ये जो हाइपोटेन्यूज AB है, हाइपोटेन्यूज AB ये वाला AB, AB दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC। ट्रायंगल ADB में AB हाइपोटेन्यूज है, ट्रायंगल ADC में AC हाइपोटेन्यूज है, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। ठीक है ना, फिर देखिए, ट्रायंगल ADB में एक साइड AD है और ट्रायंगल ADC में भी एक साइड AD है। AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, ये तो कॉमन है ना। सो देयरफॉर By right hypotenuse side congruence rule, RHS. RHS का स्टेटमेंट आपको मालूम है, इफ hypotenuse एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द hypotenuse एंड द corresponding साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर congruent. सो बाय राइट hypotenuse साइड congruence रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज congruent टू ट्रायंगल ए सी डी। तो बेटा जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे कि नहीं? शाबाश। सो देयरफॉर नंबर 1, एक तो बी डी होगा किसके बराबर? शाबाश। अगर आप यहां पर देखेंगे, बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सी डी है, बी डी इट विल बी इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, और यहां पर एंगल 1, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल 2, है ना।
So this implies AD bisects BC and angle A. तो लिहाजा जो AD है ये बेस को भी बाइसेक्ट करेगा और जो एंगल A है इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। शाबाश। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसके लिए मैं एक अलग वीडियो शेयर करूंगा। तब तक आप ये वीडियो देखिए और इसको अच्छी तरह से लर्न करिए। अल्लाह हाफिज़।